अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटा, सॉरी 9th क्लास बेटा। होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा बेटा, हम लोग अपनी 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, विच इज़ द पार्ट ऑफ आवर स्मार्ट सिलेबस। वो कह रहे हैं कि टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5, यानी कि रेक्टेंगुलर है, उसकी शेप आपको मालूम है। उन्होंने कहा कि उसके जो दो साइड्स हैं वो डिफरेंट हैं, और उनमें डिफरेंस जो है 3.5 का है। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरीमीटर इज 67। पैरीमीटर किसके बराबर होता है? पैरीमीटर क्या फॉर्मूला होता है कि दोनों साइड्स का सम, यानी कि रेक्टेंगुलर की दो साइड्स और दूसरी दो साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, तो उन दोनों दोनों साइड्स का सम जो है वो बराबर होता है उसके पैरीमीटर का। ठीक है, अब इसको व्हाइट बोर्ड पर देखिएगा आप लोग। ये देखिए, इसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। एक रेक्टेंगल है, ये दो साइड्स, ठीक है, एक शेप ये ज़्यादा होती है। ठीक है, थोड़ी सी हम और लेंथ ही बनाएंगे। ये दो शेप्स ऐसे, ठीक है, रेक्टेंगल, इसके दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये दो साइड्स इक्वल होती हैं। ये तो इसका सम क्या हो जाएगा, पैरीमीटर क्या होगा कि इन इस दो साइड का सम, यानी कि इसको हम अगर कहते हैं 2x और इसको हम कहेंगे 2y, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। ये इसका पैरामीटर, इस तरह हमारी इक्वेशंस ये बन जाएंगी, यानी कि दोनों साइड्स का जो डिफरेंस है वो 3.5 का, इनकी लेंथ में डिफरेंस है, और जो इसकी जो सम है उस तरह बनेगा टू दोनों साइड्स का सम, ये पैरामीटर का फार्मूला बन जाएगा। ये देखिए, मैंने पहले लिखा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज एक्स, ठीक है, लेट करते हैं, और विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल वाई, ये हमने लेट किया, और फिर हमने इसका ये मैट्रिक्स बना लिया दिस वन। उन्होंने बताया हुआ है कि इनका डिफर जो है वो कितना है, 2.5% है, यानी कि सेंटीमीटर इसका डिफरेंस है, एंड जो इसका पैरीमीटर है वो 67 है, तो पैरीमीटर के मैंने इसका फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ से फिर वैसे ही बिल्कुल सेम हमने जो इन्वर्जन मेथड किया था वैसे ही हमें मैट्रिक्स लेके चलनी है। देखें, सेम प्रोसीजर, नथिंग इज डिफरेंट। ये देखें, इसका हमने पहले जो है डिटर्मिनेंट फाइंड किया, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद उसका हमने यहाँ पर इन्वर्स फाइंड किया, देन ये देखें इन्वर्स नहीं है, जॉइंट फाइंड किया है। जॉइंट फाइंड जब हम फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, हम ये दो साइड्स जो है वो चेंज करते हैं और इन दोनों साइड्स का हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ये देखें, ए इन्वर्स इज इक्वल टू इसके बराबर होता है। ए इन्वर्स जो है आपको पता ही है, फॉर्मूला याद है, तो मैंने यहाँ पर डिटर्मिनेंट 1 4 आया था, और अगर यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, सपोज ये देखें ना, ये 4 आया था ना, नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर, अगर सिंगुलर होगा तो आप लिख देंगे सिंपली कि द सोल्यूशन सेट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट द डिटर्मिनेंट इज नॉन सिंगुलर, तो आपने इसका पहले ए इनवर्स मालूम कर लिया, ये मेन फार्मूला ही है। ठीक है, ये अब मैंने इसको लेके चलना है, इसी जगह मैंने एक्स की वैल्यू लिख दी, ए इनवर्स की जगह मैंने उसकी पूरी वैल्यू जो थी जो यहाँ हमने यहाँ पे इसको लिख लिया था वो देखें, वो मैंने यहाँ लिख दिया, और फिर बी की जगह उसकी वैल्यू मैट्रिक्स। तो मैंने फिर यहाँ पहले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, यू कैन सी ये दोनों मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखें, ये हमारा आंसर, और फिर इसको आपने 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वुड बी 18.5 एंड 15। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, दीज आर द वैल्यू। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इसकी लेंथ है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो है 18.5 एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर। यू कैन रिव्यू द क्वेश्चन दिस वन। ठीक है, आपने इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है बेटा, और कल इंशाल्लाह इसका लास्ट जो क्वेश्चन है हम लोग वो करेंगे। अलॉन्ग विद द क्वेश्चन यू हैव टू लर्न द डेफिनेशंस एंड MCQs, सॉल्व MCQs एंड लर्न योर डेफिनेशंस, ऑल आर रिलेटेड टू योर क्वेश्चंस, देयर इज नो वुड बी नो प्रॉब्लम विद यू। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।